सलमान खान की सबसे बकवास फिल्म, कहानी, एक्टिंग, सब कुछ फेल, फिर भी ताबड़तोड़ 100 करोड़ कैसे कमा गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सलमान खान बॉलीवुड के वो स्टार हैं जिनके होने भर से ही फिल्म 100 करोड़ मान ली जाती है और उनका स्टारडम इतना तगड़ा है कि खराब एक्टिंग, बकवास कहानी और तो और बिना स्टोरी लाइन के भी सलमान की फिल्में चल जाती हैं और ना सिर्फ चल जाती हैं बल्कि 100 से 200 करोड़ के पार कमाई भी कर जाती है। और ऐसी ही एक फिल्म 5 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी। फिल्म को काफी निगेटिव रिव्यूज मिले थे लेकिन इस फिल्म ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म जय हो की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी फिल्म से सलमान खान एक्ट्रेस डेजी शाह को इंडस्ट्री में लेकर आए थे और इस फिल्म में सलमान खान के अलावा एक्ट्रेस तब्बू भी थी जिन्होंने सलमान की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म में सलमान खान ने जबरदस्त एक्शन तो किया था लेकिन इसकी स्टोरी, क्लाइमैक्स और डायरेक्शन पसंद नहीं किया गया था और इसके चलते फिल्म को काफी निगेटिव रिव्यूज मिले। लेकिन सबको हैरान करते हुए सलमान खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और जय हो ने 100 करोड़ कमाए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं सलमान खान तब्बू और डेजी शाह की इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जिनके बारे में जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। सलमान खान की इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि ये उनकी बाकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ डालेगी लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 100 करोड़ ही कमा पाई। और वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जय हो के पोस्टर्स खुद सलमान खान ने पेंट किए थे और ये भी बताया जाता है कि इस फिल्म का टाइटल जय हो नहीं बल्कि मेंटल था जो बाद में बदल दिया गया। वहीं फिल्म में सलमान खान ने एक्टर और दोस्त मोहनीश बहल के साथ 6 साल बाद स्क्रीन शेयर की थी। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स 1997 में आई सनी देओल की जिद्दी से प्रभावित था और इसी फिल्म के साथ डेजी शाह ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि जय हो के बाद अच्छे ऑफर नहीं मिलने के बाद डेजी शाह काफी निराश हुई थी। वहीं सलमान खान की ये फिल्म 2006 में आई चिरंजीवी और त्रिशा की तेलुगु फिल्म स्टॉलिन का हिंदी रीमेक थी। वहीं दोस्तों फिल्म से सलमान खान की दोस्त और टीवी सुपरस्टार सना खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं सलमान खान चाहते थे कि इस फिल्म में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह विलेन का किरदार निभाए लेकिन उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। अपना जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर आप बॉलीवुड की किसी भी जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।